I'm Nikita, your GK teacher. Today I explain your second chapter. Your second chapter name is Your Body. This is for class 2, class 1st student. Second chapter name is Your Body. Means आपकी body के जितने parts हैं उनके बारे में explain किया जाएगा. Then second thing, body parts के नियम के साथ साथ में body organs और भी बहुत सारे quiz हैं इसमें. पजल है और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी. सो आई स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर. इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस चैप्टर देन आस्क टू मी इन द गिवन टाइम. योर फर्स्ट पेज इज स्टार्टेड. नेम द बॉडी पार्ट्स दैट यू हैव इन योर बॉडी. फिल द मिसिंग लेटर्स. इसमें इस बुक में आपको क्या करना है, कुछ एक्सरसाइजेज आपको कॉपी में भी करनी है और कुछ एक्सरसाइजेज आपको बुक में भी करनी है. बुक में क्या करना है, इसमें बॉक्सेस दिए हुए हैं, उनमें मिसिंग लेटर्स फिल करने हैं विद द हेल्प ऑफ हिंट बॉक्स. हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उससे देख के आपको वो सारी की सारी स्पेलिंग्स फिलअप करनी है. सो फर्स्ट स्पेलिंग इज नेक, देन शोल्डर, चेस्ट, एल्बो और बहुत सारी स्पेलिंग्स इसमें दी हुई हैं. लेग, एंकल, नीज एंड हेड, आर्म, हैंड, थंब, फिंगर, थाई, नी, फुट, टो, सारी स्पेलिंग्स दी हुई हैं. इन सारी स्पेलिंग्स को आपको लर्न भी करना है, फिल भी करना है एंड सम स्पेलिंग्स वी हैव टू राइट इन योर कॉपी ऑल्सो. यू हैव द PDF फ्रॉम द स्कूल ऐप, देन राइट द कॉपी बुक. देन वी कम टू द सेकेंड पेज. सेकेंड पेज में भी कुछ स्पेलिंग्स दी हुई हैं. फर्स्ट इज फोरहेड, आई, नोज, माउथ, हेयर, ईयर, चीक, लिप्स, चिन, थिन, और द बॉडी पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. सारे बॉडी पार्ट्स आपको लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं. देन वी कम टू द क्विज. यहाँ पे क्विज दिया हुआ है. क्विज में सबसे पहली एक्सरसाइज है आपकी, राइट द नेम ऑफ बॉडी पार्ट द ह्यूमन बॉडी शो ग्लो. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है आपकी बॉडी पार्ट्स की, उनको देख के उनकी स्पेलिंग लिखनी है आपको. सो फर्स्ट इज आई, फिंगर, टंग, ईयर, नोज. ये सारी स्पेलिंग्स लिखनी है आपको पिक्चर्स देख के. ये 5 पिक्चर्स बनी हुई हैं और उनको आपको अपनी कॉपी पे अपनी बुक पे भी फिल करना है एंड अपनी कॉपी पे भी लिखना है. देन सेकेंड एक्सरसाइज, बाय चेंजिंग वन लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यू कैन स्पेल ऑल सेंस. यहाँ पे क्या करना है, एक लेटर चेंज करके आपको न्यू स्पेलिंग बनानी है. देन द थर्ड पेज, मैच द पिक्चर इन द कॉलम बी टू द सेंस और मीन्स इन कॉलम ए. यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड पिक्चर्स दी हुई हैं जिनसे आपको उन पिक्चर्स को मैच करना है. फर्स्ट पिक्चर इज आईज. आईज क्या होती है, आईज से हम देखते हैं, सो वी कैन सी द टेलीविजन, तो उससे आपको मैच करना है. सेकेंड स्किन, स्किन होती है हमारी टच फील कराने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है फायर की. तो जो अगर हम फायर में अपना हाथ लगाएंगे या हमारी स्किन में कहीं पे भी कोई किसी भी तरह की फायर टच होगी तो हमें वो चीज़ फील होगी. देन थर्ड इज टंग. टंग हमारी होती है टेस्ट करने के लिए. यहाँ पे आइसक्रीम बनी हुई है, उससे आपको मैच करना है. देन फोर्थ इज ईयर. ईयर होते हैं सुनने के लिए. यहाँ पे म्यूजिक दिया हुआ है, गिटार प्ले कर रहे हैं एक बॉय, उससे आपको मैच करना है. देन फिफ्थ इज नोज. नोज होती है जिससे हम स्मेल करते हैं चीज़ें, उससे आपको मैच करना है. नाउ कम टू द फोर्थ पेज. फोर्थ पेज पे आपको एक फर्स्टली आपको दिया हुआ है एक पजल, उसमें आपको क्रॉस वर्ड्स लिखने हैं. उसमें फर्स्ट इज आई, हेयर, हार्ट, ईयर, ब्रेन, टंग, नोज. ये 4-5 स्पेलिंग्स हैं जिनको आपको फिल करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज वी सी विद इट, हम किससे देखते हैं, आई से. देन वी टेस्ट विद इट, टंग. देन डाउन क्रॉस में लिखने हैं आपको. नाउ यू स्टार्ट सम क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, जिसमें आपको इसमें आपको हिंट्स भी दिए हुए हैं, उसमें आपको सिर्फ टिक करना है, टिक द करेक्ट आंसर. हाउ मैनी टूज डू वी हैव इन वन लेग, 5, तो आपको 5 में टिक करना है. देन व्हाट पार्ट ऑफ बॉडी डज द एरो शो, जो एरो शो करती है दैट इज हील. देन 6th क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अवर ब्रेन फाउंड, हेड. ब्रेन कहाँ पे होता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, हेड पे. देन 7th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉट अराउंड द वेस्ट इज बेल्ट. देन क्वेश्चन नंबर 8, टिक दोज पार्ट विच एग्जिस्ट इन पेयर्स इन अ ह्यूमन बॉडी. कौन से पार्ट्स हैं जो पेयर्स में होते हैं. फर्स्ट इज लेग एंड थंब्स,
यहाँ पे जितने आपको एग्जांपल दिए हुए फाइव दिए हुए हैं, फाइव में से टू करेक्ट है तो उनमें आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको अपनी कॉपी पे भी करना है और बाकी के आपको अपनी सिर्फ बुक में फिल करने हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस चैप्टर, देन यू आस्क टू मी इन द गिवन टाइम। आफ्टर दिस वीडियो यू हैव 20 मिनट्स टू क्लियर यू ऑल द क्वेरीज। थैंक यू।